हेलो गाइस, ये देखिए छठ पूजा का तैयारी चल रहा है और मेरे पास भी साड़ी नहीं था, नया साड़ी हमको भी लेना था। तो एक कॉटन साड़ी हम हर साल लेते ही हैं छठ पूजा में, तो आ गए हैं साड़ी का दुकान, वहाँ पे ले रहे हैं साड़ी अपने लिए। और रिद्धि सिद्धि मेरे साथ में आई है, उसके पापा भी आए हैं, तो देख लीजिए। अभी हम लोग साड़ी देख रहे हैं, तो साड़ी लाल ही होना चाहिए या ऑरेंज, ये सब कलर। तो अभी दुकान वाले भैया निकाल निकाल के दे रहे हैं, उसमें से ही हम पसंद कर रहे हैं अपने लिए साड़ी कोई, क्योंकि हम अपना रखे हैं कि 600-650 तक का एक ढंग का कॉटन साड़ी, क्योंकि इससे कम का साड़ी फिर बहुत छोटा या फिर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो जब लेंगे ही तो यही सोच के रखे हैं। तो अभी हम साड़ी सब देख लेते हैं, इसमें से एक साड़ी हमको डन करना है। साड़ी भी ठीक ठाक ही दिखा रहे हैं भैया, सारा साड़ी ही अभी उस तरह का ही ये लोग रखते हैं कि, क्योंकि अभी छठ में चलता है कॉटन साड़ी। रिद्धु रानी को देख लीजिए मेरी, ये लोग भी आ गई पापा के साथ, तो ले आए हैं। ये दुकान थोड़ा दूर ही है घर से, पर इनके पास अच्छा साड़ी रहता है, इसलिए हम इधर ही आ गए। तो ये तो बदमाशी कर रही है रिद्धु रानी, सिद्धि मेरे आसपास ही घूम रही है, यहाँ इसको मन लग रहा है दीदी की बदमाशी करने में। ये देखिए, और हम साड़ी अपना एक पसंद कर ही लिए, तो हम पूजा में पहनेंगे, तो आप लोग देख ही लीजिएगा, अभी हम दिखा नहीं पाए हैं। और साड़ी लेके चले, अब हमको ब्लाउज़ भी लेना है, पेटीकोट यही मिल गया था, लेकिन ब्लाउज़ दूसरे जगह मिलेगा तो दूसरे दुकान आए। फिर अभी हम एक लहठी का सेट भी लेना था, लहठी भी शुद्ध होता है तो छठ पूजा में लहठी ही पहनते हैं, चूड़ी नहीं पहनते हैं पानी में जब उतरते हैं तो। तो अभी हम लहठी के लिए आए हैं, तो लहठी से भी बहुत महंगा था। और अब चले हम दूसरे दिन शाम में संध्या आरत के लिए। मेरे को तैयार देख के मेरी सिद्धि दौड़ के आ गई मेरे पास, तो अभी हम जा रहे हैं पानी में संध्या आरत के लिए। यही साड़ी हम खरीदे थे जो आप लोगों को पहले नहीं दिखाई, अभी देख लीजिए दोनों तैयार हो गई है, रिद्धु रानी आगे आगे चल रही है मेरे। ये मेरे घर के एकदम सामने ही है, वहीं बना है छठ घाट, बहुत अच्छा व्यवस्था रहता है यहाँ पे सभी को बैठने उठने का। सिद्धू रानी भी रिया चाची से चोटी बनवा के अपना इतरा रही है, देख रहे हैं इन लोगों को। उसके पापा बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं इन लोगों को, इसलिए हमको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रहा है। बाकी और यहाँ पे दीदी भैया लोग सबके पास भी तो जाती है ना, सभी परिचित हैं तो सबके पास ये जाते रहती है। बाकी हम तो बस हाथ ही उठाते, मतलब हाथ नहीं उठाते हैं, नारियल लेके खड़े होते हैं पानी में, वो सूप दौरा ये सब नहीं करते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं। देखिए दोनों दादी के पास बैठी है रिद्धि सिद्धि, दादी भी बड़े बुजुर्गों के लिए अच्छा है चेयर लगा हुआ है, तो नीचे बैठने में मान लो को अब दिक्कत भी होता है तो यहाँ बैठी हुई है। बहुत सुंदर से सजा उजा के सब व्यवस्था यहाँ पे बहुत तरीके से होता है, कोई परेशानी नहीं होता है, रिद्धि सिद्धि मस्ती में है अपना। दोनों बहन इसमें क्या है, वीडियो जब बना है उसका पूरा साउंड बंद करके फिर हमको ऊपर से आवाज़ लगाना पड़ा, क्योंकि पूरा बैकग्राउंड में साउंड था, भजन बज रहा था, ये छठ गीत चल रहा था, तो साउंड बंद करके फिर ऊपर से साउंड डाले, ये काम हो गया मेरा।
और ये देखिए इधर भोग का खिचड़ी बनने का तैयारी चल रहा है, क्योंकि शाम वाले अर्घ के दिन खाना हमारे इधर नहीं बनता है, तो ये भोग ही हर घर में आता है, सभी खाते हैं जो भी खाने वाले हैं, जो फास्टिंग में है उनका तो कोई बात नहीं है। तो ये देखिए यहाँ खिचड़ी बन रहा है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और हर घर में सभी के घर में दे दिया जाता है, सब लोग अपने घर में खाते हैं, या जिनको इधर खाना होता तो यहाँ भी खाते हैं। पता नहीं इस बार किस तरह का व्यवस्था है, पर हाँ हम इस चीज़ से निश्चिंत हैं कि मेरे को खाना घर जाके नहीं बनाना है, तो रिद्धि सिद्धि के लिए हम कुछ बनाएंगे। बाकी दादी पापा लोग देख रहे, रिद्धि रानी दौड़ रही, इन लोगों का तो जैसे लगता है पार्टी शुरू हो गया है। ये देखो आदर्श के साथ सिद्धि खेल रही है, आदर्श है इन लोगों का दोस्त। बहुत लंबा हो गया वीडियो हमको लग रहा है।